heart were dancing. Vande Mataram. They were singing that. There was a wave. The hearts were pumping. Hearts were beating like hell, like this. ये होता है मोहब्बत. This is called love affection for the titles. How to respect titles? मैंने अपनी जिंदगी में खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में इतने लोगों की भीड़ नहीं देखी. मतलब जब अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीता था ना भाई, तब भी इतने लोग नहीं थे. मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं. आज इंडियन फैंस ने समंदर लगा दिया लोगों का. जिस तरह से वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों को सच पूछो तो थोड़ी जेलसी भी हो रही है, थोड़ा बुरा भी फील हो रहा है. ऐसे लवे नहीं एक्सपेक्टेड था कि बिलियंस ऑफ लोग रोड पे आ जाएंगे और ऐसे सेलिब्रेट करेंगे. देखो मतलब वेरी अनबिलीवेबल सीन्स यार. ये इंडियंस तो सेलिब्रेशन में बाजी ले गए. भगवान के स्टेडियम के जो सीन थे, वंदे मातरम जो एक साथ पड़ा, मतलब गूज़बम्स आते हैं ऐसी वीडियोस देखकर. लिटरली वो क्या कमाल की वीडियो थी. बहुत बहुत इंतहाई खूबसूरत वीडियो. मैंने इतनी खूबसूरत वीडियो नहीं देखी गाइस. ऐसे लगता था दुनिया सारी जो है वो वर्ल्ड चैंपियंस को मिलने आ गई है. और फिर रोहित और विराट का, हार्दिक का डांस, पुटिंग आइसिंग ऑन द केक. तो ये गोल्डन जनरेशन डिजर्व करती थी कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतना. ये जनरेशन ना जीत पाती वर्ल्ड कप तो ये एक इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा लॉस होना था. लेकिन अच्छी चीज है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इंडियन क्रिकेट फैन कि इस चीज ने, इस जनरेशन ने एक बड़ा टूर्नामेंट जीता है. फुटबॉल को भी पीछे छोड़ दिया. अर्जेंटीना जब जीती थी फुटबॉल का टाइटल, जब अपने मुल्क के अंदर गए थे, मैंने तब देखे थे इतने सारे लोग सड़कों पे निकले हुए. और आज जब इंडियन टीम अपने मुल्क के अंदर वापस गई है, ट्रॉफी परेड और जिस तरह से मैंने लोगों को देखा है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है. व्हाट वी आर सीइंग टुडे इन मुंबई एंड इवन बिफोर इन दिल्ली एंड ऑल, इट जस्ट प्रूव्स माय पॉइंट. क्योंकि जस्ट शोस के सब कॉन्टिनेंट में, एशिया में क्रिकेट कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है लोगों को खुशी देने में, लोगों को बाइंड करने में. दोस्तों नमस्कार. इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीते हुए 4 दिन हो चुके थे, लेकिन ऐसे फील नहीं आ रहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि हमारी टीम बारबाडोस में तूफान की वजह से फंस गई थी. लेकिन जैसे ही हमारी टीम कल दिल्ली एयरपोर्ट पे आई और उसके बाद जो लोगों ने स्वागत किया, लाखों लोग सड़कों पर आ गए. कल पीएम मोदी से मिलने के बाद जब इंडिया टीम मुंबई गई तो वहां तो एक अलग ही माहौल था. लोगों का जनसैलाब सड़कों पर उतरा हुआ था, पैर रखने की जगह नहीं थी. जिस बस पर इंडियन टीम विक्ट्री परेड निकाल रही थी वो बस तो बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, रेंग रेंग कर चल रही थी. यानी इतने लोग थे कल, लाखों लोग सड़कों पर आए हुए थे. और वानखेड़े स्टेडियम में जो हुआ वो तो ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, ना ही कभी होगा आगे. लोगों ने एक साथ वंदे मातरम गाया, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या के साथ पूरी टीम ने ग्राउंड का चक्कर लगाया, जैसे 2011 में सचिन तेंदुलकर उठा के कंधे पर लगाया था विराट कोहली ने. दोस्तों हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसा पल देख पा रहे हैं अपनी लाइफ में. इतने लोगों को देखने के बाद तो पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं. वो कहने कि हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे जब विराट कोहली और पूरी टीम वंदे मातरम गा रहे थे लोगों के साथ, क्योंकि ऐसा पल देखना हर किसी को नसीब नहीं होता. उन्हें लग रहा था कि इंडिया के लोग सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे इस विक्ट्री को, क्योंकि हमारी टीम फंसी हुई थी. लेकिन जैसे ही वो एंट्री की इंडिया में, उसके बाद तो बस पूछो मत क्या हुआ है उनके साथ. ये फखर है कि मैंने इस टीम को पाकिस्तान में रहकर सपोर्ट किया था और ये टीम चैंपियन बनी थी. आज इस टीम के फैंस ने, इंडिया वालों ने बता दिया है कि इस टीम की दुनिया में कितनी फैन फॉलोइंग है. मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं. आज इंडियन फैंस ने समंदर लगा दिया लोगों का. मुंबई में जिस तरह इस टीम को वेलकम किया गया, जिस तरह इस टीम की परेड की गई है, जिस तरह विनिंग सेलिब्रेशन आज इंडियन फैंस ने किया है, जिस तरह जो है वो, मतलब आप कह लो, मैंने अपनी जिंदगी में खुदा की कसम उठा के कहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में इतने लोगों की भीड़ नहीं देखी. मतलब जब अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीता था ना भाई, तब भी इतने लोग नहीं थे. वर्ल्ड कप का क्रेज बहुत होता है. इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, पूरी दुनिया ने आज देखा है कि मुंबई में टीम इंडिया को किस तरह वेलकम किया गया. मरीन ड्राइव के बाहर लोगों का रश, एक साइड पे मुंबई का समंदर, दूसरी साइड पे लोगों का समंदर. आज इंडियन फैंस ने सर आंखों पे बिठा के रखा है रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, हार्दिक पांड्या को, जसप्रीत बुमराह को. जिस तरह सुबह ये टीम आई है, जिस तरह पीएम मोदी के साथ इन्होंने ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद जब ये टीम दोबारा जब वो दिल्ली से मुंबई गई है, मुंबई में जाकर जिस तरह इस टीम का लोगों ने वेलकम किया है, समंदर था लोगों का. हमारे पाकिस्तान वाले कब ट्रॉफी जीतेंगे इस तरह? हमारे जो घंटे है ना, कुछ 2 टके के, वो पता कहते हैं इंडिया ने फिक्स किया था इंडिया. आप देख लो इंडिया के लोगों ने उनके साथ किस तरह प्यार और मोहब्बत वाला वेलकम किया है. यकीन कर लो ऐसा पाकिस्तानी, मुझे तो लगता है इतनी पाकिस्तान की बात ही भी नहीं है. मुझे लगता है इतनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन नहीं है जितना आज मुंबई के बाहर जो है वो मुंबई वहां खड़े स्टेडियम्स में जिस तरह आपने देखा है. इंडिया जिस तरह से अपनी वर्ल्ड कप की जीत को सेलिब्रेट कर रहा है और जिस तरह से लोग पागल हुए दीवाने हुए और जिस तरह से विराट कोहली ने वंदे मातरम पे, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या की विक्ट्री परेड हो रही है, प्रॉपर 2011 का वर्ल्ड कप का जैसा मूवमेंट था. MS धोनी छक्का मारने वाले थे, क्राउड वंदे मातरम जो है ना गा रहा था और ये मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम जो है ना बहुत ब्लेस है कि भाई एक बार फिर इसको वर्ल्ड कप की जीत के
लिया ब्लेस किया गया। व्हाट अ मोमेंट, जिस तरह से क्राउड पागल हुआ है, पूरी दुनिया पागल हुई है। हम पाकिस्तानी समझते थे वर्ल्ड कप जीत गए हैं, आधे दिन की सेलिब्रेशन होगी, सोएंगे उठेंगे सेलिब्रेशन खत्म हो जाएगी, बट जे वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन तो शुरू ही असल जब इंडिया में आए थे तब शुरू होनी थी। और अब इंडिया में आए हैं, जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया के लोग, वो छटे उतार के नाचना, वो विराट कोहली का पंजाबी डांस, और साथ कोई पंजाबी है या नहीं है, संजू सैमसन हो गया, चहल हो गया, जसवाल हो गया, भाई वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और असल जिस तरह से वो अपनी इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों को सच पूछो तो थोड़ी जेलसी भी हो रही है, थोड़ा बुरा भी फील हो रहा है, पर खुशी भी हो रही है इंडिया की जीत को देख के। बट क्या कमाल की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड सेलिब्रेशन कर रहे हैं। असल हमें नहीं एक्सपेक्टेड था कि बिलियंस ऑफ लोग रोड पे आ जाएंगे और ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। देखो मतलब वेरी अनबिलीवेबल सीन यार, ये इंडियंस तो सेलिब्रेशंस में बाजी ले गए, बिल्कुल गूज बम्स आ रहे हैं वीडियोस देखकर। और इतनी कमाल की, इतनी खूबसूरत वीडियोस हैं कि आप एक बार देखेंगे तो दिल नहीं भरेगा, बार बार देखने का दिल कर रहा है। जिस तरह से विराट कोहली, रोहित शर्मा, पूरी इंडियन टीम के चेहरों पर जो खुशी है और जो फैंस एंजॉय कर रहे हैं, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब आप ये चीज देखें कि उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सुबह से मौजूद है मरीन ड्राइव पर, वो इंतजार में थे कि टीम इंडिया यहाँ से गुजरेगी, वो अपनी टीम को देखेंगे, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को देखेंगे। फिर उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम के जो सीन्स थे, वंदे मातरम जो एक साथ पड़ा, मतलब गूज बम्स आते हैं ऐसी वीडियोस देखकर। लिटरली वो क्या कमाल की वीडियो थी, बहुत बहुत इंतहाई खूबसूरत वीडियो। मैंने इतनी खूबसूरत वीडियो नहीं देखी गाइज, 2024 की सबसे खूबसूरत वीडियो ये होगी, आप मेरी बात लिख लो, क्योंकि इतनी कमाल की वो वीडियो है। विराट कोहली जिस तरह से आगे लीड कर रहे हो, विराट की एनर्जी, पूरी इंडियन टीम की एनर्जी आज अलग ही नजर आ रही है। आप देखिए सुबह से बिजी है, सुबह से कभी कहीं फ्लाइट चेंज कर रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स का चेहरा आपको देख के लगेगा नहीं कि कोई थकान है, बिकॉज वो जो फैंस का जोश है, फैंस की जो खुशी है, जो प्यार उन्हें मिल रहा है, जो सपोर्ट उनको मिल रहा है, वो बिल्कुल भी फील नहीं होने दे रहा। और टीम इंडिया का हर प्लेयर आपको फ्रेश नजर आ रहा है, तो बहुत कमाल के सीन्स हैं। और इतना प्यार ये टीम डिजर्व करती थी, इतनी रिस्पेक्ट, इतना सपोर्ट ये टीम डिजर्व करती थी। टीम इंडिया को ऐसा वेलकम नहीं मिलता तो फिर किसको मिलता। इतने सारे लोग आई वॉज स्टंड। ये जो आए हैं मरीन ड्राइव पे, माई गॉड, देयर वाज एन ओशन। ऐसे लगता था दुनिया सारी जो है वो वर्ल्ड चैंपियंस को मिलने आ गई है। और फिर रोहित और विराट का, हार्दिक का डांस, पुटिंग आइसिंग ऑन द केक, माय गॉड। ये 2011 में भी हमने विक्ट्री परेड देखी थी, लेकिन 2024 का तो कमाल ही कुछ हो रहा है। कमिंस साहब, तो ये होता है इंडियन से सीखें, सी एन ओशन ऑफ फैंस वर एट हार्बर, वर एट वेंकटे, देयर फेवरेट सन रोहित एंड विराट वर डांसिंग वंदे मातरम, दे वर सिंगिंग दैट, देयर वाज अ वेव, द हार्ट्स वर पंपिंग, हार्ट्स वर बीटिंग लाइक हेल, लाइक दिस। ये होता है मोहब्बत, दिस इज कॉल्ड लव अफेक्शन फॉर द टाइटल्स, हाउ टू रिस्पेक्ट टाइटल्स। आईसीसी मींस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, एनीथिंग यू हैव वन, यू हैव अर्नड, यू रिस्पेक्ट दैट। रिस्पेक्ट कम्स विद इन योर फैमिली, फ्रॉम योर कंट्री, फ्रॉम योर टीचिंग्स। रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डन थ्रू हैविंग शैंपेन और हैविंग व्हिस्की। वेलकम मिला है, कमाल है यार। मतलब इट जस्ट शोज के सब कॉन्टिनेंट में, एशिया में क्रिकेट कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है लोगों को खुशी देने में, लोगों को बाइंड करने में, और मुल्क को यूनिफाई करने में, ठीक है। एंड इट आल्सो यू नो, जो आज हमने देखा मरीन ड्राइव में, जिस तरह कितना हज़ारों आदमी मतलब आया है ग्रीट करने के लिए इंडियन टीम को, टिकर परेड देखने के लिए।